हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड पार मेड इजी की समरी को हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी वीडियो सीरीज में। पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप लोग यहां आई बटन पे क्लिक करके पूरे वीडियोस देख सकते हैं। सेशन 1 से लेकर सेशन 37 तक के सारे वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोर्स को प्रस्तुत करता हूँ मैं अमन त्रिवेदी, और आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज फॉलो करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जो मेरे जून मंथ के कोर्सेज हैं वो कुछ इस तरह हैं। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टू एडवांस का कोर्स शुरू है, पूरा जून मंथ में चलने वाला है ये। इसके अलावा एरर डिटेक्शन का कोर्स है, ये 1 जून से चलेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कोर्स है, ये आपका 8 जून से होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोर्स है, ये 15 जून से होगा। और इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोर्स है, ये 23 जून से होगा। इन सारे कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, PDF चाहिए, कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो 8299117042 मैसेज पर आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको मेरी क्लासेस का डिटेल या कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो उसका समाधान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, जिससे कि आप अपना नाम और नाम लिख के बस इतना व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं सेव कर लूँगा और आपको आगे के अपडेट्स वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इन सारे टीचर्स से पढ़ सकते हैं, और आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 5400 रुपये में और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 4320 रुपीज़ में मिलता है। उसके बाद आप सारे टीचर से पढ़ सकते हैं और सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा @AmanTrivedi इसे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। @AmanTrivedi नाम से आपका ये चैनल है, जहां से आपको इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे हम पूरे पिछले वीडियो में कि हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स, उसी का अगला भाग आज का ये हमारा है, जहाँ पे 34, 35, 36, 37 चार सेशंस की वोकैबुलरी हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ में। पहला वर्ड आपका है, रूट वर्ड है स्पेक्टो। स्पेक्टो का मतलब होता है टू लुक, राइट। तो अब उसी से वर्ड आता है आपका स्पेक्टिकल। इसी से वर्ड आपका क्या आया, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल क्या हो जाता है, स्पेक्टिकल इज अ नाउन। तो मीनिंग क्या होता है, समथिंग और समवन सीन स्पेशली अ नोटेबल और अनयूजुअल साइट, ठीक है। यानी कि देखिए, दो शब्द होते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक शब्द आपका होता है स्पेक्टिकल्स, और एक शब्द हो जाता है आपका स्पेक्टिकल। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल रहता है, इसलिए ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, ठीक है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है बहुत ही सुंदर दृश्य, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है जो मैं लगाए हुए हूँ, चश्मे, ठीक है। सिनोनिम हो जाता है डिस्प्ले, एग्जीबिशन, पेजेंट या शो। द ओलंपिक्स आर वंडरफुल विजुअल स्पेक्टिकल, यानी कि ओलंपिक्स जो है वो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। तो स्पेक्टिकल्स हम किसे कहते हैं, ग्लासेस को, ठीक। तो स्पेक्टिकल याद रखेंगे। अब जैसे कि ये पिक्चर मैंने क्लिक करी थी व्हेन आई वेंट ऑन ट्रैकिंग, तो ये क्या है, इट्स अ स्पेक्टिकल सीन, काफ़ी सुंदर है देखने में, अच्छा लगता है। स्पेक्टिकल्स क्या हो जाता है, स्पेक्टिकल्स आपके चश्मे हो जाते हैं, ठीक है। कोई डाउट, क्लियर है दोनों चीज़ें। चलिए अगला वर्ड आपका क्या आता है, स्पेक्टो से ही बना, स्पेक्टेटर। मैंने आपको बताया, अगर आप किसी में स्पेक्ट आपका वर्ब हो जाता है, स्पेक्ट मतलब हो गया देखना, और अगर किसी वर्ब में अगर आप ER या फिर OR लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपका वर्ड बनता है कॉमन नाउन। तो यहां पर आपका स्पेक्टेटर हो जाएगा। स्पेक्टेटर का मतलब हो गया द वन हु लुक्स एट व्हाट्स हैपनिंग, अ पर्सन हु इज वॉचिंग एन इवेंट। जो इवेंट को देख रहा है उसे हम स्पेक्टेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो जो लोग देख रहे हैं उन्हें हम स्पेक्टेटर कहेंगे, जो देख रहे हैं चश्मदीद, राइट। सिनोनिम हो जाएंगे लुकर, व्यूअर या वॉचर। द स्टेडियम विल सीट 60,000 स्पेक्टेटर्स। स्टेडियम में करीब 60,000 स्पेक्टेटर्स होंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप का ये सीन है, वर्ल्ड कप का ये एक शॉट है, तो ही वॉज वॉट, ही वॉज स्पेक्टेटर देयर, ठीक है। पाकिस्तान के एक मैच का था सीन, तो ही वॉज वॉट, ही वॉज स्पेक्टेटर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला हो जाता है आपका, स्पेक्टो से ही आता है इंस्पेक्ट। तो IN मतलब हो जाता है, IN इज निगेटिव प्रिफिक्स, और स्पेक्टो हो जाता है टू लुक।
तो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट क्या है, वर्ब है, मतलब हो जाता है टू लुक क्लोजली एट समथिंग और समबडी, स्पेशली टू चेक दैट एवरीथिंग इज एज इट शुड बी. तो इंस्पेक्ट का मतलब हुआ किसी चीज को चेक करना, जैसे जो इंस्पेक्टर काम करता है. इंस्पेक्ट इज अ वर्ब. अब वर्ब में मैंने आपको क्या बताया, ई आर या ओ आर लगाएंगे तो क्या बनेगा, नाउन बनेगा. तो इंस्पेक्ट मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, अच्छे से चेक करने के लिए आ जाएगा आपका इंस्पेक्ट. क्लियर है यहां तक? चलिए, सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके, एग्जामिन, ऑब्जर्व या फिर स्टडी. एंड फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मेक श्योर यू इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर बिफोर साइनिंग फॉर देम. ठीक है, यानी कि आप जस्ट मेक श्योर कि आप इन चीजों को देखते हो ध्यान से, कि बिफोर आप उनको साइन करने से पहले. ठीक है, अगला हो जाता है इंस्पेक्टर. तो इंस्पेक्टर कौन है, अब इंस्पेक्टर मतलब मैंने आपको बताया क्या है आपका इंस्पेक्टर, नाउन में, वर्ब में ही अगर आप ई आर या ओ आर लगा देते हो तो क्या बन जाता है आपका, इंस्पेक्टर बन जाता है. सो हाथीराम चौधरी वॉज इंस्पेक्टर, यानी चीजों को एग्जामिन करता है, चीजों को ध्यान से देखता है, उसे कहते हैं इंस्पेक्टर. ठीक है, अगला वर्ड हो जाता है स्पेक्टो, का मतलब हुआ टू लुक. ठीक है, और रेट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड. ठीक है, तो मतलब हो गया टू लुक बैकवर्ड, रेट्रोस्पेक्ट मतलब टू लुक बैकवर्ड, यानी कि कंटेम्पलेशन ऑफ थिंग्स ऑफ पास्ट, यानी पास्ट में जो हुआ है आप उसको सोच रहे हो, विचार रहे हो, इसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्ट. ठीक है, रेट्रोस्पेक्ट वर्ब भी हो जाता है, मतलब पास्ट में जो हुआ है उसे देख ले, सोचने विचारने को कहते हैं. सिनोनिम क्या हो जाएगा, रीअप्रेजल या रिव्यू. और एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इन रेट्रोस्पेक्ट इट्स ईजी टू सी वाई वी वर रॉन्ग, यानी कि ये रेट्रोस्पेक्ट में ये काफी आसान है देखना कि वाई वी वर रॉन्ग, क्यों हम गलत थे. ठीक है, चलिए अगला हो जाता है आपका रेट्रोस्पेक्ट. तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब आप जैसे आपके ब्रेकअप के बाद आप यही तो करते हो ना, रेट्रोस्पेक्ट करते हो कि कहाँ गलती हुई, कब मुझे पता लग जाना चाहिए था, तो वही रेट्रोस्पेक्ट. ठीक है, अगला वर्ड हो जाता है आपका प्रोस्पेक्ट. प्रो मतलब हो गया फॉरवर्ड और स्पेक्ट मतलब हो गया टू लुक, मतलब द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, यानी फ्यूचर, आगे में जो होना है उसकी बात करता है. ठीक है, आगे जो होना है उसकी बात करता है प्रोस्पेक्ट. द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, उसे हम कहते हैं आपका प्रोस्पेक्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्ट. रेट्रो पीछे, प्रो आगे. देर इज अ लिटिल प्रोस्पेक्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट इन वेदर, यानी कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि वेदर में कोई भी इंप्रूवमेंट होगा. और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिव. ठीक, तो प्रोस्पेक्ट एक मूवी है आपकी, हेलमेट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट, यानी कि आगे क्या होगा उससे रिलेटेड. अगला है आपका स्पेक्टो, का मतलब होता है टू लुक. और इंट्रो का मतलब हो गया इनसाइड. तो इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है रिफ्लेक्ट ऑन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी कि आप अपने अंदर विचारों को देख रहे हैं, आप में क्या कमी हुई, आप में क्या गलती हुई, आपने कहाँ गलती करी, इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो और आप में आपके मार्क्स कम आते हैं, तो मैं कहूँगा आपके यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, यानी आप ये देखो कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, आप में कहाँ पर कमी है. सो दीज सिचुएशंस आर बेस्ट रिजॉल्व विद द मिनिमम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस, यानी कि ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा अच्छे से रिजॉल्व तभी होती है जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ एनालाइज करते हैं. एडजेक्टिव हो जाएगा इंट्रोस्पेक्टिव. इंट्रोस्पेक्टिवनेस या इंट्रोस्पेक्शन, यहीं से वर्ड आ जाता है. ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्ट और ये सारे वर्ड्स आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो, आपको याद होगा वासेपुर मूवी का सीन. सो ही सेज, नहीं पापा हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, कहाँ गलती हुई है, और पता लगाएंगे कहाँ गलती हुई है. इंट्रोस्पेक्ट मतलब ये देखेगा कि हमने कहाँ गलती करी, अपने आप को एनालाइज करेगा. सो ही इज रामाधीर सिंह क्या कहता है कि तुम चाहे इंट्रोस्पेक्ट करो या रेट्रोस्पेक्ट करो, यानी चाहे खुद में देखो चाहे पास्ट में गलतियों देखो, तुम्हारे प्रोस्पेक्ट ठीक नहीं है, यानी कि आगे जो होने वाला वो ठीक नहीं लग रहा है. ठीक है, क्लियर, समझ में आया. अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना. ठीक है, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, किस चीज़ का इंतजार कर लो. अगला वर्ड हो जाता है आपका स्पेक्टो, का मतलब हो जाता है टू लुक. और सरकम मतलब हो गया अराउंड. ठीक है, ध्यान से समझना, सरकम स्पेक्ट, सरकम मतलब अराउंड, स्पेक्ट मतलब लुक. तो सरकम स्पेक्ट का मतलब हो गया थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर डूइंग इट, बिकॉज देयर मे बी रिस्क इन्वॉल्व्ड, वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क. यानी कि जो थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर डूइंग, यानी कि आप किसी काम को करने से पहले बहुत केयरफुली सोच रहे हैं उसके बारे में, इसे कहते हैं सर्कमस्पेक्ट करना. ठीक है, आप बहुत केयरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा आप अटेंटिव हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं किसी काम को करने से पहले. ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस, डिस्क्रीट, वेरी, चैरी या केयरफुल.
ठीक है, सर्कमस्पेक्ट मतलब हो गया आसपास देख लो पहले अपने काम करने से पहले कि कोई खतरा तो नहीं है, उसे कहते हैं। ही वॉज वेरी सर्कमस्पेक्ट इन हिज फाइनेंशियल अफेयर्स, ठीक है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस था अपने फाइनेंशियल अफेयर्स में। नाउन हो जाएगा सर्कमस्पेक्शन या आपका सर्कमस्पेक्टनेस, ठीक। तो सर्कमस्पेक्ट याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, मतलब इट्स टाइम टू सर्कमस्पेक्ट, यानी कि इट्स टाइम टू बी वेरी कॉशियस, बाहर निकलने से पहले देखना पड़ेगा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है आपका स्पेशियस, स्पेक्टो से ही बना आपका वर्ड स्पेशियस। स्पेशियस मतलब हो जाता है समथिंग राइट और ट्रू बट एक्चुअली रॉन्ग और फॉल्स, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो सही है लेकिन है गलत, मतलब लगता तो सही है लेकिन है वो गलत, उसे कहते हैं स्पेशियस। मतलब बिगाइलिंग, डिसीटफुल, डिसीविंग या डिसेप्टिव। एंटोनिम हो जाएगा जेन्युइन। वी वुडंट एक्सेप्ट हिज स्पेशियस क्लेम, यानी कि हम उसका स्पेशियस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो ऐसा लग तो रहा है कि सही है बट है वो झूठ, यानी कि हमें शक है, कुछ छलावा है। तो स्पेशियसनेस क्या हो जाएगा? नाउ, ठीक। अगला वर्ड हो जाता है आपका कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस मतलब स्पीक मतलब टू लुक, कॉन्स्पिकुअस मतलब हो गया इजी टू सी और नोटिस, लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन, यानी जिसे आसानी से नोटिस किया जा सके, आसानी से देखा जा सके और आसानी से आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हो, उसे हम कहते हैं कॉन्स्पिकुअस, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट, नोटिसेबल, ऑब्वियस और एंटोनिम हो जाएगा अननोटिसेबल या अनऑब्ट्रूसिव। मैरीज रेड हेयर ऑलवेज मेड हर कॉन्स्पिकुअस एट स्कूल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्लियरली विजिबल। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में पूछा गया आपके वर्ड हैं ये सारे के सारे कॉन्स्पिकुअस, ठीक है। तो कॉन्स्पिकुअस जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे फ्लावर्स कैसे थे, येलो थे, लेकिन ये एक फ्लावर कैसा है, रेड है, तो इट इज कॉन्स्पिकुअस, यानी कि ईजिली आइडेंटिफाइबल, ईजिली अट्रैक्टिंग योर अटेंशन। अगला है आपका परस्पिकेशियस। पर मतलब हो जाता है थ्रू, स्पीक मतलब टू लुक, तो परस्पिकेशियस, OUS मतलब एडजेक्टिव, मतलब क्या हो गया, एबल टू अंडरस्टैंड समबडी समथिंग क्विकली एंड एक्यूरेटली शोइंग दिस, यानी कि ऐसा लगता है कि आप जिस चीज़ को आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, आसानी से क्विकली और जल्दी समझ पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं परस्पिकेशियस, ठीक है। तो यानी कि आसानी से आपके दिमाग में चली जा रही है बात, क्लियर आइड, क्लियर साइटेड। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज परस्पिकेशियस इनफ टू रियलाइज दैट थिंग्स वर सून गोइंग टू चेंज, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा, इट वॉज काफ़ी क्लियरली अंडरस्टेबल था, आसानी से समझा जा सकता था कि थिंग्स जो हैं वो बहुत ही जल्द बदलने वाली हैं, ठीक है। नाउन क्या हो जाएगा, परस्पिकैसिटी, ठीक है, परस्पिकैसिटी इसका नाउन हो जाता है, ठीक है। तो परस्पिकस देखते हैं, परस्पिकेशियस हमारा वर्ड क्या है, परस्पिकेशियस, तो समझिए, तो आपको याद होगा वासेपुर मूवी का ये सीन, अगर आपने वासेपुर अभी तक नहीं देखी तो देखना, यूट्यूब पे फ्री है। उसमें ये जो छाता है रामाधीर सिंह का होता है, तो रामाधीर सिंह वॉज परस्पिकेशियस इनफ टू आइडेंटिफाई हिज अम्ब्रेला, यानी कि चूंकि परस्पिकेशियस इनफ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ईजिली अंडरस्टेबल था, बहुत आसानी से समझा जा सकता था कि वो छाता उसका है, ठीक है। जिन्हें देखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया हो तो। अगले पर आते हैं। अगला है आपका परस्पिकुअस। परस्पिकुअस मतलब होता है ट्रांसपेरेंटली क्लियर, ईजिली अंडरस्टैंडेबल, जिसको आसानी से समझा जा सके। परस्पिकेशियस अलग है, परस्पिकुअस अलग है। परस्पिकेशियस मतलब क्या है, परस्पिकेशियस का मतलब है एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग क्विकली एंड एक्यूरेटली, किसी व्यक्ति किसी चीज़ को आसानी से जल्दी से समझा जाए। और परस्पिकुअस क्या है आपका, परस्पिकुअस मतलब है ट्रांसपेरेंटली क्लियर, ईजिली अंडरस्टैंडेबल। तो सिनोनिम हो जाएंगे क्लियर, क्लियर कट, क्लिस्टर क्लियर, लूसिड, लिम्पिड, क्लियर, अपेरेंट, ऑब्वियस, प्लेन। एंटोनिम हो जाएंगे एम्बिगुअस, क्लाउडेड और क्रिप्टिक। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रोग्राम हैज़ परस्पिकुअस इंटरफेस एंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन, ठीक है, परस्पिकुअस इंटरफेस, यानी कि जो कि ईजिली समझा जा सकता है। तो आई होप, मैंने अपने ही डाल दिया, आई होप वोकैबुलरी इज नाउ परस्पिकुअस फॉर यू, ठीक है। अगर है तो कमेंट में बताना और नहीं है तो भी बताना, ठीक है, अभी भी क्यों नहीं है भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक। चलो अगला हो जाता है एक्यो। एक्यो का मतलब हुआ शार्पन, अक्यूट, अक्यूट मतलब होता है वेरी सीरियस और सीवियर, अक्यूट मतलब वेरी सीरियस और सीवियर, ठीक है। सिरोनेम हो जाएगा एस्ट्यूट, आपका डिसर्निंग या कीन, और एंटोनेम हो जाएगा डल। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिशन इज फॉर जॉब्स इज एक्यूट, यानी बहुत सीवियर है, और ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट चेस्ट पेन, यानी काफ़ी सीवियर। क्या है मतलब, अभी समझते हैं। देखो, आपने अक्यूट और ऑप्टिव्स एंगल पढ़े हैं, अगर आप एक्यूट एंगल का ये सिरा देखें तो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है,
यानी कि बहुत सीवियर है, बहुत शार्प है, राइट, कीन है, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा. ऑप्टियूस का ये सिरा कैसा है, शार्प नहीं है, यानी मुथरा, यानी कि ये उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, उतना ज्यादा सीवियर नहीं होगा. समझ में आ गई बात. चलिए अगली पर आते हैं. एक्यूपंक्चर, तो पंक्चर्स मतलब हो जाता है पॉइंट, एक्यू मतलब हो जाता है शार्पन. तो एक्यूपंक्चर का मतलब हुआ चाइनीज मेथड ऑफ ट्रीटिंग ऑफ पेन और डिसीज बाय इंसर्टिंग द टिप्स ऑफ नीडल्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द स्किन. तो हमारे बॉडी में एक अलग अलग जगह पे पिंस घुसेड़ के एक्यूपंक्चर आपका किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नीडल्स आर इंसर्टेड इन टू स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स इन द बॉडी. ठीक, तो एक्यूपंक्चर जो है आपका इस तरीके की ये चाइनीज मेथड है टू क्योर पीपल. ठीक है, दिस इज एक्यूपंक्चर. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. पंक्चुअल, तो पंक्चुअल से पंक्टस मतलब हुआ पॉइंट, तो पंक्चुअल मतलब हुआ ऑन पॉइंट, यानी एकदम समय पर आए. हैपनिंग और डूइंग समथिंग एट द अरेंज्ड और करेक्ट टाइम नॉट लेट, यानी कि एकदम करेक्ट टाइम पर ही जो काम कर रहा है उसे हम कहेंगे पंक्चुअल. ठीक है, जैसे यू शुड बी पंक्चुअल इन क्लास, आपको टाइम पर आना चाहिए. सिनोनिम प्रेसाइज, प्रॉम्प्ट और क्विक, ऑलवेज बी पंक्चुअल फॉर द क्लास. अगला वर्ड हो जाता है पंक्टिलिशियस. पंक्टिलिशियस का मतलब हो जाता है पंक्टस मतलब पॉइंट, पंक्टिलिशियस मतलब हो गया पंक्टिलियस, नॉट पंक्टिलिशियस, पंक्टिलियस. पंक्टिलियस मतलब हुआ वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली और टू परफॉर्म योर ड्यूटीज एग्जैक्टली एज यू शुड, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक अपनी ड्यूटीज अपने काम को करता है और बहुत ही केयरफुल है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, उसे हम कहते हैं पंक्टिलियस. सिनोनिम हो जाएगा मेटिकुलस, सेरेमोनियस और स्टिफनेक्ट. एंटोनिम हो जाएगा कैजुअल, ईजी गोइंग, इनफॉर्मल, लेड बैक या अनसेरेमोनियस. ही वॉज ऑलवेज पंक्टिलियस इन हिज मैनर, यानी कि वो हमेशा काफ़ी पंक्टिलियस था, काफ़ी केयरफुल था अपने काम को करने में. और पंक्टिलियसनेस इसका क्या हो जाएगा, नाउन. ठीक है, तो पंक्टिलियस यानी कि ओनली अ पंक्टिलियस पर्सन कैन मेक सच आर्ट, यानी कि जैसे इस एप्पल पे इसने ये आर्ट बनाई हुई है. सो ओनली अ पंक्टिलियस पर्सन कैन मेक सच आर्ट. पंक्टिलियस मतलब जो बहुत ही केयरफुल होगा, अपने काम को बहुत ध्यानपूर्वक करता होगा, समझदारी को. चलिए अगला है आपका पग्नो. पग्नो का मतलब होता है टू पियर्स शार्पली. ठीक है, शार्पली किसी में छेद करना. तो पंजेंट का मतलब हो गया कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा टेस्ट बहुत स्ट्रांग है, उसे कहते हैं पंजेंट. बहुत ही तीक्ष्ण महक, जैसे अमोनिया में आती है. तो एसिड, बाइटिंग, बिटर, शार्प, एसर्ब, एसर्बिक, एसिडिक, एक्रिड, बार्ब्ड, बाइटिंग, कॉस्टिक. एंटोनिम हो जाएगा ब्लैंड, माइल्ड एंड स्मूथ. द मोर हर्ब्स यू यूज द मोर पंजेंट द सॉस विल बी. ठीक है, जितना ज़्यादा हर्ब्स इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा जो सॉस है वो पंजेंट हो जाएगा. ठीक, सो पंजेंट आप याद रख सकते हो कि अनियन की स्मेल कैसी है, देर इज अ पंजेंट स्मेल. ठीक है, तो उस तरीके से याद रख सकते हैं आप. अगला है आपका एनिमस. एनिमस का मतलब होता है माइंड या फिर सोल. और मैग्नस, मैग्नस क्या होता है, लार्ज या फिर ग्रेट. तो मीनिंग क्या हो गया मैग्नानिमस, ही इज अ मैग्नानिमस पर्सन, मतलब ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी जेनरस, ही इज वेरी फॉरगिविंग इन नेचर, यानी बहुत दयालु है, बहुत ही उदार है और लोगों को माफ करने में का करेक्टर रखता है, स्पेशली टूवर्ड्स एन एनिमी और कंपिटिटर, यानी कि अपने एनिमी के प्रति आप बहुत उदार हो, उसे कहते हैं मैग्नानिमस. सिनोनिम हो जाएगा नेचुरल, नोबल और सबलाइन. एंटोनिम हो जाएगा डीजेनरेट, डिग्रेडेड या इग्नोबल. ही वॉज मैग्नानिमस इन डिफीट एंड प्रेज्ड हिज ओपोनेंट्स स्किल, यानी कि वो हारने के बाद काफ़ी उदार था और उसने अपने ओपोनेंट को भी प्रेज किया, उसकी भी तारीफ करी. नाउन हो जाएगा मैग्नानिमिटी. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर दिस डायलॉग ऑफ द वासेपुर, सो सरदार खान वॉज नॉट एट ऑल, सरदार खान इज नॉट एट ऑल मैग्नानिमस इज नेचर, यानी कि वो बिल्कुल भी उदार नहीं है, बिल्कुल भी अपने एनिमी के प्रति उदार और को फॉरगिविंग नहीं है. ही इज नॉट एट ऑल मैग्नानिमस इन नेचर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पसिलैनिमस, पसिलैनिमस मतलब हो जाता है आपका, एनिमस मतलब माइंड, पसिलस मतलब हो गया टाइनी, यानी कि जिसकी सोल, जिसका माइंड बहुत छोटा है, यानी कि फ्राइटेंड टू टेक रिस्क, जिसका दिल बहुत छोटा है, जो खतरे मोल नहीं ले सकता, मतलब पुअर स्पिरिटेड, कावर्डली, चिकन हार्टेड, अनहीरोइक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुअर स्पिरिटेड है, कावर्ड है और चिकन हार्टेड है, अनहीरोइक है. ठीक है, मतलब कायर है. एंटोनिम हो जाएगा ब्रेव, करेजियस, डेयरिंग, डेयरिंग आपका डॉन्टलेस,
डॉटी, फियरलेस, गैलेंट, गट्सी एंड इंटरप्रिट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपका जो एंटे मतलब ब्रेव है उस सेंस में. ही इज टू पुसिलैनिमस टू स्टैंड अप टू हिज ओपोनेंट्स, ठीक है. नाउन क्या हो जाएगा? पुसिलैनिमिटी. सो पुसिलैनिमस के लिए आप याद रख सकते हो, दिस होल कंट्री इज वेरी पुसिलैनिमस, हमेशा कायरों की तरह हमले करेगा, ठीक है. तो पुसिलैनिमस क्लियर है. चलिए नेक्स्ट हो जाता है आपका एनानिमस, ठीक है. एनानिमस तो यूनस मतलब हो गया वन, और एनिमस मतलब माइंड, यानी कि इन कंप्लीट एग्रीमेंट, यानी कि दोनों में आम सहमति होना. सिनोनिम हो जाएगा अग्रीएबल, एमिकेबल और कंपैटिबल, और एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीएबल, डिसकॉर्डेंट या डिसहार्मोनियस, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल द कमिटी वर एनानिमस इन रिजेक्टिंग द प्रपोजल, यानी कि कमिटी वॉज एनानिमस कर लो, क्योंकि उनका एक ही मत था इन रिजेक्टिंग द प्रपोजल को रिजेक्ट करने में. तो एनानिमस मतलब हो गया इनकम्प्लीट एग्रीमेंट. इनैनिमिटी क्या हो जाएगा? नाउन, ठीक. तो जैसे दीज टू पीपल आर इनैनिमस इन नेचर, यानी कि देर इज अ कम्प्लीट एग्रीमेंट बिटवीन देम, ठीक है. इनैनिमस मतलब समझ में आया, ठीक है. चलिए अगला है आपका एक्वस. एक्वस मतलब हो जाता है इक्वल, और एनिमस हो जाता है माइंड, ठीक है. तो इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी मतलब क्या हो जाता है? अ काम स्टेट ऑफ माइंड दैट सीम्स दैट यू डू नॉट बिकम एंग्री और अपसेट, स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि दिमाग की शांति, आप बहुत ही शांत हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड को काम रखते हैं, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी अपने आप को शांत रखते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेनिमिटी. सिनोनिम हो जाएगा अप्लॉम, कामनेस एंड कलेक्टिवनेस, और एंटोनिम विल बी एजिटेशन, डिसकम्पोजर या पर्टुब्रेशन, ठीक है. शी एक्सेप्टेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हर ऑपरेशन विद इक्वेनिमिटी, यानी कि अपने ऑपरेशन के जो प्रॉस्पेक्ट हैं, जो फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, उनको बड़ी शांति से, दिमाग की शांति से सुना या एक्सेप्ट किया. सो इक्वेनिमिटी इज अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है. अगला है एनिमस से ही आपका. एनिमस का मतलब हो जाता है एनिमस का मतलब हो जाता है स्ट्रांग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, एंगर और हेट, यानी कि किसी को हेट करना, किसी के प्रति हेट की फीलिंग होना. ये वर्ड इसी से सिनोनिम बनता है एनिमोसिटी, एंटीगोनिज्म या एंटीपैथी, और एंटोनिम हो जाएगा एमिटी. व्हेन यू हैव एन एनिमस अगेंस्ट अ पर्सन यू शुड गिव इट अप, यानी कि अगर तुम्हारे अंदर किसी के प्रति हेट भावना है, दुर्भावना है, तो तुम्हें इसे जरूर त्याग देना चाहिए, ठीक है. तो जैसे देर इज अ ग्रेट एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक. अगला है वर्सेटाइल. तो वर्सेटाइल, वर्टो एंड वर्स मतलब हो जाता है टू टर्न. तो वर्सेटाइल का मतलब हुआ कि जो वो जिस डायरेक्शन में वो जैसे चाहे वैसे टर्न हो सकता है, मतलब हो गया एबल टू डू मैनी थिंग्स, यानी कि जो बहुत सारे काम कर सकता है उसे हम कहते हैं वर्सेटाइल. सिनोनिम हो जाएगा मैनी साइडेड, स्किल्ड एंड टैलेंटेड. ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर हु हैज प्लेड अ वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स. एंड एंटोनिम हो जाएगा वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिली, और आपका नाउन हो जाएगा वर्सेटाइलनेस, ठीक है. एडवर्ब हो जाएगा वर्सेटैलिली. तो इरफान खान वॉज अ वर्सेटाइल एक्टर हु कुड प्ले ऑल द रोल्स ऑफ विद इक्वल ईज, राइट. अगला है स्टोइसिज्म. तो स्टोआ मतलब हो जाता है पोर्च, स्टोइसिज्म मतलब हो जाता है द फैक्ट ऑफ नॉट कंप्लेनिंग और शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, यानी कि अगर आपको दर्द हो भी रहा है तो आप बता नहीं रहे हैं कि आपको दर्द हो रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टोइसिज्म, ठीक है. तो स्टोइसिज्म किसे कहते हैं? स्टोइसिज्म मतलब हो गया द फैक्ट ऑफ नॉट कंप्लेनिंग और शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, ठीक है. आपको दर्द हो रहा है बट स्टिल नहीं आप बता रहे, दिस इज कॉल्ड स्टोइक कैरेक्टर, और स्टोइसिज्म इज नाउन, ठीक है. सो ही शोड ग्रेट स्टोइसिज्म थ्रू ऑल द पेन, यानी पूरे पेन को बियर करने में उसने काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता दिखाई. लाइक हथौड़ा त्यागी का जो कैरेक्टर था, ही वॉज वेरी स्टोइक, यानी कि कितना भी मार लो वो सच नहीं बताने वाला था. सो दिस इज कॉल्ड स्टोइसिज्म, ठीक है. चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रेपिडो. ट्रेपिडो का मतलब हो जाता है टू ट्रेम्बल, और आई एन का मतलब हो जाता है निगेटिव प्रीफिक्स. तो इंट्रेपिड क्या है आपका? एडजेक्टिव, मतलब हो जाएगा वेरी ब्रेव, नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर और डिफिकल्टीज, जो बहुत ही ज़्यादा साहसी है और डरता नहीं है डेंजर से या डिफिकल्टीज से, उसे हम कहते हैं इंट्रेपिड. सिनोनिम हो जाएगा आपका बोल्ड, ब्रेव, करेजियस,
और एंटोनिम हो जाएगा कावर्डली, क्रेवन या डस्टर्डली. ठीक है. द इंटरप्रिट मैनेजर हैड टू कॉन्टेंट हिमसेल्फ विद नंबरिंग हिज रिजर्व टीम्स. ठीक है, यानी कि इंटरप्रिट मैनेजर यानी ब्रेव मैनेजर के लिए आएगा और नाउन हो जाएगा इंटरप्रिडिटी. तो इंडियन आर्मी इज इंटरप्रिट इन नेचर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपका बिल्कुल भी डरते नहीं है, दे आर ब्रेव. राइट. अगला है आपका ट्रेपिडो. ट्रेपिडो क्या है? ट्रेम्बल और ट्रेपिडेशन. ट्रेपिडेशन मतलब हो जाता है ग्रेट वरी और फियर अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट दैट मे हैपन, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता और किसी के बारे में डर कि कुछ अनप्लीजेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेपिडेशन. कई बार हमको लगता है ना क्या होगा क्या होगा क्या होगा, दैट इज ट्रेपिडेशन. ट्रेपिडेशन इज अलार्म, एंजाइटी एंड ड्रेड. ही नॉकड ऑन द फ्लोर विद सम ट्रेपिडेशन, यानी कुछ डर के से वो अपने जमीन पर गिर गया. तो ट्रेपिडेशन इज वॉट, कि लाइक हम जो ही सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, दिस इज ट्रेपिडेशन. ठीक है. अगला है सिंटिला. सिंटिला का मतलब होता है स्पार्क और उसी से वर्ड आया सिंटिलेट, मतलब एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट इन अ फ्लिकरिंग मैनर, यानी कि चमक उत्पन्न होने को कहते हैं सिंटिलेट. सिनोनिम हो जाएगा स्पार्कल, ट्विंकल या विंकल. यू वर सिंटिलेटिंग ऑन टीवी लास्ट नाइट, तुम काफ़ी ज़्यादा एकदम चमक रहे थे, उस सेंस में आएगा. नाउन हो जाएगा सिंटिलेशन. ठीक है. जैसे इस क्रिस्टल से, इस डायमंड से सिंटिलेट हो रहा है, यानी कि चमक निकल रही, दिस इज कॉल्ड सिंटिलेट. Got it. अगला है आपका अब्स. अब्स का मतलब होता है सिटी. तो अर्बेन का मतलब हो जाता है आपका गुड एट नोइंग व्हाट टू से एंड हाउ टू बिहेव इन सोशल सिचुएशंस, अपीयरिंग रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट. यानी बहुत रिलैक्स, बहुत कॉन्फिडेंट लगना पब्लिक प्लेसेस पर और सोशल सिचुएशन में, आपको पता है कि कहाँ क्या बोलना है कहाँ क्या नहीं बोलना और बहुत अच्छे से बिहेव करे, उसे हम कहते हैं अर्बन स्वैग. ठीक है. पॉलिश्ड, रिफाइंड एंड स्वेल्ट. ठीक है. एंटोनिम हो जाएगा क्लासलेस, क्लाउनिश. ही वॉज चार्मिंग एंड अर्बेन, फुल ऑफ विटी कन्वर्सेशन, यानी कि वो काफी सुंदर था, काफी अर्बेन था, काफी सभ्य था, फुल ऑफ विटी कन्वर्सेशन. नाउन इज अर्बेनिटी. ठीक. सो लाइक दिस गाय इज अर्बेन इन कैरेक्टर, यानी कि काफी सुसभ्य लग रहा है, ऐसा लग तो रहा है. ठीक है, तो उसे कहेंगे अर्बेन आपका. अर्बन हो जाता है कि दो शब्द होते हैं, एक अर्बन एक होता है रूरल. रूरल इज ग्रामीण क्षेत्र को कहते हैं हम रूरल, और अर्बन कहते हैं हम शहरी क्षेत्र को. ठीक है. तो कनेक्टेड विथ टाउन और सिटी इज अर्बन एंड रूरल इज कनेक्टेड विथ विलेज. तो सिविक, मेट्रोपॉलिटन, म्यूनिसिपल. एंटोनिम इज रूरल. ही सबमिटेड हिज प्रपोजल फॉर अर्बन डेवलपमेंट टू द सिटी काउंसिल. सब मतलब होता है नियर और अब्स मतलब सिटी. तो सब अब्स मतलब हो गया एन एरिया वेयर पीपल लिव दैट इज आउटसाइड द सेंटर ऑफ सिटी, यानी शहर के मुख्य भाग से अलग थोड़ा सा किनारे, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक वगैरह के आसपास मेन दिल्ली है, लेकिन नोएडा के आसपास तक NCR लगता है. तो दोज आर सबर्ब्स एरिया. ठीक है. सब अर्बिया क्या है आपका? सब अर्बिया इज द सबर्ब्स एंड द वे ऑफ लाइफ, एटीट्यूड्स एटसेट्रा ऑफ द पीपल हु लिव देयर. एंड सब अर्बनिटीज क्या हो जाता है आपका? अ पर्सन हु लिव्स इन द सबर्ब्स ऑफ अ सिटी, उसे कहते हैं सब अर्बनाइट्स. ठीक है, उन्हें कहेंगे सब अर्बनाइट्स. तो सबर्ब्स किन्हें कहते हैं? जो शहर के बाहर का थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं. अगला है अर्ब्स आपका इंटर. इंटर मतलब हो गया बिटवीन. तो शहर इंटर अर्बन मतलब शहर के बीच में. ठीक है, दो शहरों के बीच में. और इंट्रा अर्बन मतलब शहर के ही बीच में, विद इन अ सिटी. ठीक है. EX मतलब हो गया आउट. तो एक्स अर्बन मतलब हो गया रीजन दैट इज लाइट्स आउटसाइड द सिटी. एक्स अर्बनाइट हो गया जो व्यक्ति वहां पर रहता है एक्स अर्बन एरिया में. और एक्स अर्बिया हो गया तो जनरलाइज रीजन्स ऑफ एक्सर्ब्स. ठीक है, जो पूरे एरिया है उन्हें कहेंगे. अगला है आपका रस्टिक. तो रस्टिक इज द टिपिकल ऑफ द कंट्री और कंट्री पीपल. रस्टिक मतलब आपका विलेज लोग जो आपके से बिलोंग करता है एंड हु डजंट नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, उसे कहते हैं रस्टिक आपका. ठीक है. सिनोनिम ऑकवर्ड, क्लम्सी या गाउश हो जाएगा. एंटोनिम ग्रेसफुल, स्वैब या अर्बन हो जाएगा. ठीक है. दे चूज अ फैशनेबली रस्टिक लुक फॉर द किचन. और अगला है रस्टिकेट. रस्टिकेट मतलब हो जाता है लिव इन द कंट्री एंड लीड अ रस्टिक लाइफ. तो गांव में रहना और रस्टिक लाइफ को लीड करने को हम कहते हैं रस्टिकेट करना. और दूसरा मतलब इसका एक भी है कि आपका सस्पेंड टेम्परेरीली फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जैसे हॉस्टल वगैरह से आपको रस्टिकेट कर दिया जाता है, तो सस्पेंड कर देने को हम कहते हैं रस्टिकेट. ही वॉज वंस रेस्टिकेटेड इन कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज में वो एक बार रेस्टिकेट हो गया था. ठीक है.
ऑलराइट, सो लेट्स कीप इट टिल हियर. आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको समझ में आया हो. वी आर अबाउट टू एंड द कंप्लीट बुक. हम करीब करीब पूरी किताब खत्म करने वाले हैं ऑलमोस्ट धीरे धीरे. हमने 37 सेशन तक कर लिया है, 46 सेशन है, तो कुछ 5-10 सेशन और बचते हैं और कुछ 5-6 वीडियोस और बनेंगे हमारे इस सीरीज में. तो अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करिए और वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए. ठीक है, पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, सबका कंपाइल्ड पीडीएफ भी मैं आपको एक दे दूंगा, बट दैट आई विल गिव ऑन द वेबसाइट. ठीक है, तो आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट. पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगी. इफ़ यू कैन डाउनलोड द इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए वीडियो को बाकी लोगों के साथ, जैसे जिससे कि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके. और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है तो आप 8299117042 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.